कौन फरा दिसो आ दिसो बॉडी दिखाओ ना बॉडी दिखाओ ना बॉडी दिखाओ पहले बॉडी दिखाओ एक बार हट ना मिलू साइकिल बॉडी दिखाओ ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हुआ कुछ यूं कि मैं जिम में आया और मेरे को मन किया लेग ट्रेन करने का। मैं लेग बेसिकली ट्रेन करता हूँ शनिवार को, पर मैं शुक्रवार को ट्रेन किया फ्राइडे को। तो मतलब वो चीज़ बहुत मतलब अच्छे से लगा वर्कआउट, मतलब जितना मैं मारता हूँ शनिवार को उससे ज़्यादा वेट, थोड़ा सा ज़्यादा वेट फ्राइडे को लगा। हुआ मतलब ये हुआ क्यों बेसिकली आपका एक माइंड एक रूटीन पे फिक्स हो जाता है, कि इस दिन ये ट्रेन करना है आपको, पर आप उस स्प्लिट को तोड़ देते हो अचानक से। मतलब आपके आप 5-6 महीने से लगातार एक स्प्लिट को फॉलो कर रहे हो, अचानक से वो टूट जाता है, तो आपका मतलब मसल अलग लेवल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है माइंड के साथ। तो ये चीज़ हुआ था बेसिकली। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ बाइसेप्स का 2 वर्कआउट एंड ट्राइसेप्स का 2 वर्कआउट। तो दिखाते हैं वीडियो, चलते हैं। तो स्वागत है वीडियो में। तो आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो ये बाइसेप्स का पहला एक्सरसाइज है, ये मैं सपोर्ट ले रहा हूँ वॉल से। ये पहला एक्सरसाइज हमारा बाइसेप्स का। आप ट्राई करना कि आपका जो बैक है वो वॉल से चिपका रहे, बाकी आपका हाथ एल्बो शोल्डर के इक्वल में रहे। आपको ये ट्रेन करना है 3 सेट्स, तीनों का लेना है आपको कम से कम 15 रेप्स। तो हमारे बाइसेप्स का सेकंड एक्सरसाइज है, पहला मैंने मारा एक एक्सरसाइज मारा वॉल के सपोर्ट के ऊपर, एक एक्सरसाइज मारा बिना वॉल के सपोर्ट का। तो ये एक्सरसाइज एक ही था, 2 वेरिएशन में था, और ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है बाइसेप्स का, क्योंकि बाइसेप अपने बॉडी का छोटा मसल होता है। मैं बाइसेप्स को कम ट्रेन करता हूँ, हफ्ते में 2 बार। तो आप लोग भी ट्राई करना। तो फिलहाल एक ही सेट मारा, आप दे भी सकते हो, अच्छा पंप दिया एक्सरसाइज से। ये एक्सरसाइज मैं पहले ट्रेन करता था, फिर बीच में कुछ एक्सरसाइजेस में चेंजेस किया था, पर ये ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेस है। आप ट्राई करना, आपको अच्छा पंप देगा बाइसेप्स में। देन इसके बाद मैं ट्रेन करने वाला हूँ हमारा सेकेंड एक्सरसाइज बाइसेप्स का। ये बेसिकली मैं अपने जब बिगनर्स ग्रुप में था तो ये एक्सरसाइज मैं काफ़ी ट्रेन करता था, तो बीच में गैप हो गया था एक्सरसाइजेस, तो काफ़ी मिस हो गया एक्सरसाइज। तो मैं सोचा कि ये एक्सरसाइज जो मेरे को शुरू में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, शुरू में ही ज़्यादा मतलब बॉडी जब नया होता है वो एक्सरसाइजेस आप मारते हो तो काफ़ी आपके बॉडी में इफेक्ट करता है। तो ये एक्सरसाइज मैं बहुत शुरू स्टार्टिंग में मारता था, तो ये काफ़ी दिन के बाद मैं ट्रेन किया था, पर हाँ वही चीज़ मेरे को लगा लास्ट में। तो देन ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 है बेसिकली, ये मैं मार रहा हूँ टी बार से। आप ट्रेन करना टी बार से, ये हमारा बाइसेप्स का लास्ट टेस्ट है। तो इसका मैं लेने वाला हूँ 15 रेपिटेशन का 3 सेट। आप ट्राई करना कि आप मतलब वेट हैवी रखो, और रेपिटेशन मशीन पे हैवी लग जाता है आराम से, तो आप हैवी वेट पुश करना, रेपिटेशन आप फेलियर तक ले सकते हो। बीच में आप मतलब 5 सेकंड का होल्ड लेकर दोबारा आप स्टार्ट करना। देन बाइसेप्स डन। आज मैं बाइसेप्स का 3 ही एक्सरसाइज मारा हूँ। तो ये हमारा ट्राइसेप्स का पहला एक्सरसाइज है, ये मैं मार रहा हूँ रोप इंटेंशन के साथ रोप से। आप इसका लेना 3 सेट, 3 से 4 सेट्स लेना, हर सेट्स का मैक्सिमम आप 18 रेपिटेशन मानो, और कम से कम 15 रेपिटेशन की आपको बॉडी में लगे कि हाँ लगा। अब वेट मतलब लाइट लेना कि आपको हैवी लगे, पर ये जो एक्सरसाइज है इस पर हैवी आप मार ही नहीं सकते हो, चाहकर भी नहीं मार सकते हो हैवी इस वाले के साइज को। मैंने आज तक कोई किसी का भी नहीं देखा है, मतलब कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो कोई भी हो, कि फुल करके रोप एक्सटेंशन मार दिया हो आज तक, मतलब कोई हुआ नहीं है भाई कि मार दे रोप एक्सटेंशन। बहुत अपना मतलब बहुत हैवी लगता है। तो ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स का, ये सिंगल केबल आर्म्स में मार रहा हूँ। तो ये सिंगल केबल्स है, तो ये बेसिकली है 15 kg। तो 15 kg का मैंने आई थिंक लगाया था 12 रेपिटेशन पहला सेट्स का। तो इसका भी मैंने 2 सेट्स लिया था, इसका मैंने लगाया 2 सेट्स। तो ये हमारा सेकंड। आप मारने के बाद तुरंत ड्रॉप सेट मारना इस वाले एक्सरसाइज का, काफ़ी अच्छा रहेगा अपने ट्राइसेप्स मसल्स के लिए, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है हैवी के बाद, जो लाइट वेट लगता है काफ़ी अच्छे से लगता है। तो पंप देख सकते हो आप। तो फिलहाल मैं अभी कटिंग पे हूँ, तो मेरा बॉडी वेट अभी 91 kg पे गया है, पर मेरे को अच्छा अपना मसल मास कटिंग लाना है, तो लगा हुआ स्ट्रगल में, देखो कब तक हो पाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।